हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके फेवरेट टॉपिक टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे दांतों पे दो तरह के स्टेन्स होते हैं। नंबर वन एक्सट्रिंसिक, जो दांतों के बाहर से होते हैं। नंबर टू इंट्रिंसिक, यानी कि आपके दांत अंदर से ही येलो है। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स को रिमूव करने के काफी मेथड होते हैं, बट अगर इंटरनल स्टेन्स है तो उसको दूर करने का एक ही मेथड है, जिसमें आपके दांतों पर टीथ ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग दो तरह से की जाती है, इन ऑफिस यानी कि जो डेंटल क्लिनिक में होती है, सेकंड होम ब्लीच जो कि आप खुद कर सकते हैं। होम ब्लीच में सबसे पहले आपको डेंटिस्ट को चेकअप कराना पड़ेगा, जिससे कि वो देखेगा कि आपके दांतों पे टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट होगा भी या नहीं, आपके दांतों पे कोई पैचेस तो नहीं है या फिर आपकी कोई ओल्ड फीलिंग्स तो नहीं हो रखी। ये सब चीजें हमें ब्लीचिंग से पहले ही देखनी पड़ती है। उसके बाद डेंटिस्ट आपके दांतों का साइज लेगा, जिससे कि आपके दांतों की एक ट्रे बनकर आएगी, जिसमें आप टीथ वाइटनिंग एजेंट डालेंगे और उसे अपने मुंह में लगाएंगे। आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, किसी से भी ऑर्डर कर सकते हैं एक अच्छा होम ब्लीच। उस पे दी गई प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। यूजुअली होम ब्लीच आधे घंटे के लिए की जाती है, जो कि 10 से 15 दिनों के लिए आपको लगातार यूज करनी पड़ती है। होम ब्लीच का इफेक्ट स्लोली एंड स्लोली आता है, आपके दांत धीरे धीरे वाइट होते जाएंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, होम ब्लीच करने से पहले आपने अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना है, अच्छे से रिंसेस करने हैं, ताकि आप उसका इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा देख सकें। उसके बाद आपने ब्लीच करने के बाद कुछ भी स्टेनिंग वाली चीज नहीं खानी है, जैसे कि आप चाय, कॉफी, कोई भी हल्दी वाली चीज, रेड वाइन, डार्क कलर के फ्रूट्स, कोला, इन सब को आप अवॉइड करेंगे, जो भी चीज आपके दांतों पे स्टेनिंग कर सकती है। तो कोशिश करेंगे आप व्हाइट प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे। उसके बाद आप डेली अगर ऐसा करेंगे आपके दांत व्हाइट होंगे, तो आप टीथ वाइटनिंग खुद से कर सकते हैं। थैंक यू।